सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नौवहन राज्य मंत्री श्री पूर्ण राधाकृष्णन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नोटबंदी बेहद जरूरी थी। कर चोरों तथा काले धन से निपटने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह साहसिक कदम उठाया। इस पहल को उचित कदम भी करार दिया। इस पहल से उचित कर भुगतान सहित वित्तीय लेन देन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। कल यहाँ के प्रदर्शनी मैदान में डीजी धन मेले के द्वारा करने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मेगा पोर्ट रिजॉर्ट में आयोजन पत्रकार सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि उन्होंने स्टॉलों का मुआयना किया और स्वयं सहायता समूहों से बातचीत की है। मंत्री ने कुछ लाभार्थियों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी सुपुर्द किए। उन्होंने नगदहीन अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रशासन की पहल की सराहना की, जो माननीय प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय लक्ष्य एवं दृष्टि है। इस मौके पर सांसद श्री विष्णुपद राय, मुख्य सचिव श्री अनिंदो मजूमदार, नीति आयोग के सलाहकार श्री जितेंद्र कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष सचिव डॉक्टर उत्पल शर्मा भी उपस्थित रहे। पत्रकार सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने सेलुलर जेल में बंदी बनाए गए वीर सावरकर तथा अन्य स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनकी बदौलत आज हम आजादी का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने द्वीप प्रशासन, NPCI तथा बैंकों को मेले के आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इससे लोग डिजिटल लेन देन से अवगत होंगे। लकी ग्राहक योजना तथा डिजी धन व्यापार योजना नामक दो योजनाओं का जिक्र किया, जिसे आम लोगों के बीच नगदहीन लेन देन के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटलीकरण की दिशा में भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 100 करोड़ ग्राहक हैं और सरकार ने 1 बिलियन आधार बायोमेट्रिक का सृजन भी किया है, जबकि 73.9 करोड़ डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 66 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब तक सरकार ने 30 करोड़ रुपए कार्ड भी जारी किए हैं, जबकि रुपए कार्ड के लिए स्विचिंग चार्ज को माफ भी किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने ईंधन की खरीद, हाईवे टोल, रेलवे टिकट में छूट और रियायत का ऐलान भी किया है। इससे नगदहीन लेन देन की दिशा में लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने BHIM ऐप भी लॉन्च किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये एक जनहितैषी ऐप है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत भी नहीं है। एक मामूली फीचर वाले फोन में भी ये कार्य कर सकता है। प्रधानमंत्री की देश को सर्वोपरि एवं अग्रणी रखने की उदात्त अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये व्यापक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक क्षण में प्रशासन, बैंकरों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें बधाई दी और लकी ड्रॉ के विजेताओं को शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में नौवहन और राजमार्ग के क्षेत्रों में द्वीपों में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 4 बड़ी परियोजनाओं में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इनमें 14.98 करोड़ रुपए की लागत से चावरा द्वीप में मरीन हॉल तथा JT में 23.6 करोड़ रुपए की लागत से तरेसा के बंगाली गांव में JT 38.20 करोड़ रुपए की लागत से कछाल में हैवलॉक में RCC बर्थिंग JT के निर्माण 5.77 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट आइलैंड में बर्थिंग हेड तथा संपर्क JT का पुनर्निर्माण शामिल है। उन्होंने बताया कि द्वीपों में अल्बनिका के द्वारा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। अल्बनिका ने 40.93 करोड़ रुपए की लागत से 36 माल रखरखाव उपकरणों की खरीद की है, जिसे विभिन्न द्वीपों में स्थापित और संचालित किया जाएगा। अल्बनिका ने 63.55 करोड़ रुपए की लागत से एक नाव भी खरीदी है, जिसे बोर्ड को सौंप दिया गया है, जो 500 यात्रियों की क्षमता वाले 2 जहाजों का निर्माण भी प्रगति पर है, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा राजमार्ग 12 पे 45 किलोमीटर का कार्य 2017 में पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप के विकास को भारत सरकार की प्राथमिकता के मुताबिक अन्य परियोजनाओं पर भी गौर किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजमार्ग के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। हाल के द्वीपों में दौरे के दौरान भारत सरकार के नौवहन सचिव ने प्रशासन को सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया है। इसके बाद द्वीपों के लिए फेरी जलयानों का निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में है। नीति आयोग के सलाहकार जितेंद्र कुमार ने भारत सरकार के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला है। टू रिवाइव अवर इकोनॉमिक सिस्टम, अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ब्रॉट डिमोनेटाइजेशन। दिस इज द नीड ऑफ द अवर।
digital transaction would bring the money transactions accountable and taxpayer. Through digital transaction, we will be able to avail the bank loans very easily, because all the money transactions got centralized and it is monitored by the administration. The Ministry of Shipping, Transport and Highways has been very considerate to our requirements. Just a couple of weeks back, the Secretary of Shipping had come here, and in addition to the projects that you have mentioned, he had also advised us to include some more projects under the Sagarmala project. Yes. So we have started, in fact, ALHW will be executing those projects, and today morning only we had reviewed this. And I'm sure we will get our continued support. I'll also add one more thing for the benefit of everyone here. The Ministry of Shipping, Road Transport and Highways was very kind enough to sanction a chartered ship for us, MV Coral Queen, and that is expected to start its operation by the month end. In fact, all the formalities are nearly through. So this was done. This would replace the MV Samsung, if you recall, all of you, that is this thing. In addition, we have a number of other ferry boats under construction, various stages of construction, and they will all ply in the harbour, and for vehicle ferries are also there. So a lot of projects have been initiated by the Government of India, and the Government of India has been always alive to our requirements. I would like to take this opportunity to thank you, sir, to your ministry for your coming here, and we wish that you are here in these islands very soon so that we can show you the work on the ground. And other leaders who dedicated their life. तो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नोटबंदी बेहद जरूरी है, बात बताई गई। नोटबंदी एक साहसिक कदम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बीजेपी ने मेगापोर इलाके में मेगापोर नेस्ट रिजॉर्ट में अपने राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक की। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों से लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बी ईश्वर राव, उत्तर एवं मध्य अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष सौ टाटू के द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके आरंभ की गई। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने अपने आने वाले समय के लिए कई रणनीतियां भी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हर मुश्किलों को भी राज्य अध्यक्ष विशाल जौली ने सुना। बैठक में द्वीपों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक की शुरुआत में अपने संबोधन में अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली ने कहा कि पार्टी के वादे के मुताबिक पार्टी अब तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करते आई है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी कई चुनौतियों को भी पार करके आई है, इसके बावजूद पार्टी के लोग हर उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। बैठक देर शाम तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। और जो हम पढ़ेंगे उसके बाद, पिछला तीन महीने का समय उपलब्धियों का भी रहा, काफी चुनौतियों का भी रहा। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में जो लोगों से वादा किया था कि हमारा पंचायती राज और म्युनिसिपल काउंसिल एक साफ सुथरा, करप्ट फ्री सरकार अंडमान की जनता को देगा,
उसमें हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। वहीं एनक्रोचमेंट एविक्शन कुछ दूसरे नशीले सेवन पदार्थों में जो बैन लगाया गया उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी टैक्स का ऐसा इश्यू भी आया काउंसिल में, कुछ चीजें इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है, वहीं पर लोगों पर भी उसका बोझ ना आए और वो पार्टी के बारे में उनका राय बदले ना और पार्टी के साथ बना रहे, ऐसा सामंजस्य बनाने का काउंसिल में भी हम लोगों ने उधर लिटिल अंडमान